ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान यानी अन्नदाता जो रात दिन एक करके फसल को अपनी संतान की तरह सींचता है, और जब उसे उसकी मेहनत का फल मिलने की बारी आती है तो फसल का उचित दाम नहीं मिलता, और फिर वो किसान इतना मजबूर हो जाता है कि खुद अपनी ही फसल को अपने हाथों नष्ट कर देता है। जरा सोचिए कितना बेबस होगा वो अन्नदाता जिसे उसकी फसल का उचित दाम ना मिलने पर अपनी साल भर की मेहनत को पानी में बहाना पड़ा होगा। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के मंदसौर में, जहां लहसुन की उचित दाम ना मिलने से नाराज किसान ने करीब 20 क्विंटल लहसुन नदी में बहा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मामला जिले के बनी गांव का है, जहां के रहने वाले किसान मदन लाल धाकड़ 10 दिन पहले नीमच मंडी में 10 क्विंटल लहसुन की उपज लेकर गए थे। लहसुन को मंडी तक ले जाने का भाड़ा 120 रुपए प्रति क्विंटल आया और मंडी में किसान का लहसुन 300 रुपए प्रति क्विंटल के मान से बिका। इसमें भी किसान को हम्माली और तौल का पैसा अलग से देना पड़ा। उपज बिकने के बाद किसान को हर क्विंटल 30 रुपए ऊपरी देना पड़ा, तब कहीं जाकर वो भाड़ा हम्माली और तौल का पैसा चुका पाया। इसके बाद किसान ने घर पहुंचकर करीब 20 क्विंटल लहसुन की उपज को पानी में बहा दिया। बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने अपने खेतों में लहसुन की फसल को लगाया था। हर बीघा तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए की लागत आई। फसल की भी बम्पर पैदावार हुई, एक बीघा में 10 क्विंटल लहसुन उगा। उम्मीद थी कि फसल के अच्छे दाम मिलेंगे तो परिवार के लिए खर्च कर पाएंगे, लेकिन लागत तो दूर, अभी जो दाम मिल रहे हैं उसमें मंडी तक फसल ले जाने का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। इसी से नाराज होकर उन्होंने 20 बोरी लहसुन को तालाब में फेंक दिया। इसके जरिए वो सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि जिम्मेदार उन जैसे किसानों की सुध ले और किसानों को फसल के उचित दाम मिल पाए। बताते चले कि इन दिनों मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक है। मांग से ज्यादा लहसुन आने की वजह से लहसुन के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दावा किया जा रहा है कि लहसुन मंडी में 500 रुपए क्विंटल से लेकर 5000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही हैं। किसानों को अपनी फसल की कीमत सिर्फ 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल मिल पा रही है, यानी मांग का सिर्फ 20%, जो कि बहुत कम है। ऐसे में कई किसानों को लागत तो दूर, मंडी तक आने जाने का किराया तक नहीं मिल पा रहा। बहरहाल भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अगर अन्नदाता को इस तरह अपनी फसल को नष्ट करने पर मजबूर होना पड़े तो सरकार को इसकी गंभीरता समझते हुए संज्ञान लेने की जरूरत है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अन्नदाताओं को उनकी उपज का उचित दाम मिले, ताकि देश की जनता की थाली तक अनाज पहुंचाने के लिए हर मौसम और हर वक्त जी तोड़ मेहनत करने वाला किसान हताश होकर अपनी फसल को यूं बर्बाद करने पर मजबूर ना हो। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप वक्त से पाएं।